कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन ऑफ बॉलीवुड राखी सावंत इज इन प्रॉब्लम अगेन। राखी सावंत ने कुछ दिनों पहले ही बेल के लिए अप्लाई किया था पंजाब हाई कोर्ट में, जहां पर उनके खिलाफ एक केस चल रहा था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा था वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि संत के लिए कि पूरे समाज के लोग भड़क गए थे और उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल कर दी थी अगेंस्ट राखी सावंत। राखी सावंत ने एक टीवी शो के दौरान एक ऐसा कॉमेंट किया था जिसके चलते उन पर यह केस हुआ। उसके बाद पंजाब पुलिस पटियाला से मुंबई गई उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। फिर जब वारंट इशू किया गया तो खुद राखी सावंत कोर्ट में पहुंची, उन्होंने माफी मांगी और फिर उन्हें बेल भी दे दी गई थी, लेकिन उनकी बेल अब कैंसिल कर दी गई है। उनके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया गया है और पुलिस से कहा गया है कि उन्हें कोर्ट के सामने लाया जाए। बताया जा रहा है कि उन्हें 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया था। इस जुर्माने के 2 अलग अलग बॉन्ड्स उन्हें सबमिट भी करने थे, पर उन्होंने एक अनकंडीशनल अपॉलोजी फाइल की है जिसके चलते साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है और कोर्ट ने उनकी बेल को कैंसिल करके उनके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया है। और अब राखी को बहुत जल्द पहुंचना पड़ेगा पंजाब हाईकोर्ट के सामने।